गर्मी की फसलों की बुआई फरवरी के मध्य के बाद शुरू हो जाती है। किसान अब इन फसलों की खेती में जुट गए हैं। इन फसलों का रकबा कम रहता है, लेकिन यह किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। रबी और खरीफ सीजन के बीच के समय में वे इन फसलों की खेती कर अतिरिक्त कमाई करते हैं। हालांकि इस बार इन फसलों की खेती की रफ्तार थोड़ी सुस्त है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसमें तेजी आएगी। कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों में बताया गया है कि यह अभी शुरुआत है, लेकिन समय बढ़ने के साथ इन फसलों के रकबे में बढ़ोतरी भी होगी। शुक्रवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक गर्मी की फसलों में सबसे अधिक रकबा धान का है। इसके बाद नंबर दलहनी फसलों और मोटे अनाज का है। किसान तिलहनी फसलों की भी खेती कर रहे हैं। सबसे अधिक जोर मूंगफली और तिल पर है। कई राज्यों में इस वक्त किसान मूंगफली की खेती में लगे हुए हैं। फसल विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि 4 मार्च 2022 तक देश में 21.69 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती हो चुकी है। पिछले साल इसी समय तक धान का रकबा 22.47 लाख हेक्टेयर था। अगर दलहनी फसलों की बात करें तो हरे चने की खेती 1.16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हो चुकी है। वहीं काले चने का रकबा 86,000 हेक्टेयर है। अन्य दलहनी फसलों की खेती भी 14,000 हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है। वहीं मोटे अनाज की बात करें तो इस बार रकबा 2.71 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है, जो पिछले साल इसी समय तक 1.68 लाख हेक्टेयर था। सरकार मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित करने पर काफी जोर दे रही है। इसके लिए तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं। पोषण से भरपूर मोटे अनाज के उपयोग और खेती पर हमारी सरकार का ध्यान है। भारत के प्रयासों से ही संयुक्त राष्ट्र 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में मनाने जा रहा है। इसका मकसद मोटे अनाज के फायदों को दुनिया तक पहुंचाना है। मोटे अनाज में सबसे अधिक रकबा मक्का है। अभी तक 2.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किसान मक्के की बुआई कर चुके हैं। पिछले बार मक्के का कुल रकबा 5.61 लाख हेक्टेयर रहा था। इसके अलावा किसान ज्वार, बाजरा और रागी की भी खेती कर रहे हैं। बाजरे की खेती किसान पशुओं के लिए हरे चारे के रूप में भी करते हैं। गर्मियों में चारे की कमी ना हो, इसके लिए बाजरे को विकल्प के रूप में पशुपालक लगाते हैं। अगर तिलहनी फसलों की बात करें तो इसका रकबा 2.69 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है, जो पिछले साल आज की तारीख तक 3.39 लाख हेक्टेयर था। इसमें सबसे अधिक क्षेत्र मूंगफली का है। अभी तक किसानों ने 1.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मूंगफली की खेती कर ली है। गर्मी की फसलों की खेती में सुस्त रफ्तार की वजह पिछले खरीफ सीजन में देर तक हुई बारिश को माना जा रहा है। दरअसल बीते साल मानसून की वापसी के बाद भी काफी बारिश हुई थी, जिस वजह से रबी फसलों की बुआई में देरी हुई थी। ऐसा माना जा रहा है कि जैसे जैसे खेत खाली होते जाएंगे, गर्मियों की फसल के रकबे में बढ़ोतरी होती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।